है वो उसको विजुलाइज कर सकते हो, कलर चेंज कर सकते हो, सेक्शन ले सकते हो, मेजरमेंट ले सकते हो, वो तो कर सकते हो एटलीस्ट तो स्टार्ट विथ। बाद में आपको क्या कर सकते हैं, आप कलर चेंज करो, आपको जो कलर है आपको वो पसंद है वो दे दो, बाद में आपको वही जाके प्रिंट कर सकते हो 3D प्रिंट और नॉर्मल प्रिंटिंग। सो ये सब क्या ये सब मॉडिफिकेशन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में भी बहुत सारा चीज आने वाला है। ये आपका सिर्फ ये डिजाइन प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट आप 2D में बना रहे हो वो सब 3D में मूव हो जाएगा, ये तो फॉर श्योर हो जाएगा। इट्स ओनली मैटर ऑफ टाइम व्हेन इट विल इम्पैक्ट। ये मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे ऑटोमोटिव OEMs अभी इम्पॉर्टेंट इज देर आर 6 पिलर्स एंड दिस 6 इंडस्ट्री। आप जो बोल रहे हो ये इंडस्ट्री जो है ऑटोमोटिव एयरोस्पेस एंड डिजिटल ट्विन जो मानते हैं, डिजिटल ट्विन मतलब जो भी आप करना चाहते हो पहले उसको वर्चुअली बना दो क्योंकि वो बहुत कॉस्ट कमी होता है। जैसे हम बोलते हैं बिफोर गोइंग एनीवेयर यू थिंक व्हाट यू वांट टू डू, सो ये हम पहले बना देंगे वर्चुअली प्रूव करेंगे बाद में जाके हम कॉस्ट करेंगे, क्योंकि कॉस्ट और लेबर बहुत बढ़ गया आजकल, कॉस्ट इज नॉट चीप एनी मोर। इसीलिए ये सब बहुत मायने रखता है गोइंग फॉरवर्ड इन द इंडस्ट्री एंड द एकेडमिया। एकेडमिया ऑल्सो हैज टू ट्रांसफॉर्म बिकॉज व्हेन यू आर वर्किंग इन द एरिया वेयर ऑल दीज थिंग्स विल ट्रांसफॉर्म देमसेल्फ, यू नीड अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। वी हैव लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द ज्वेलरी इंडस्ट्री। यू टेक एग्जाम्पल ऑफ ज्वेलरी इटसेल्फ, ज्वेलरी इज नॉट यूजिंग अ 2D टूडे एनीवे, इवन मेकिंग हु मेक शू मेकर लेदर मेकिंग ऑल आर यूजिंग 3D टेक्नोलॉजी। सो इट इज एन एक्स्ट्रा माइल आपको ये इतना ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है। ऑलरेडी अवेलेबल बहुत है लेकिन हम इतना यूटिलाइज नहीं कर रहे इंडिया में। अगर आपका हमारा मैन्युफैक्चरिंग बेस हमको स्ट्रांग करना पड़ेगा, क्योंकि अभी सिर्फ डिजाइन कोई भी कर सकता है लेकिन मैन्युफैक्चरिंग अगर स्ट्रांग है तो ही वी कैन बिकम सक्सेसफुल, क्योंकि हमारा GDP जो है इट इज 50% ऑफ द थिंग्स कम फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग। जो भी हम सर्विसेज से अभी कर रहे हैं वो तो अभी स्टैग्नेंट हो जाएगा। जो मैन्युफैक्चरिंग है विच इज अ की बैकबोन ऑफ एनी कंट्रीज GDP growth, that has to grow. So there is an estimate that out of 50 FMB, 25% of them are manufacturing. So मतलब उनके पास कंट्रोलर है, मशीन है, कुछ तो मशीन करते हैं, उसको कोई तो 3D लगता ही है। तो इसका मतलब ऐसा है कोई भी इंडस्ट्री में आप जाके बोलो 3D, कोई भी ऐसा नहीं बोलेगा आपको मुझे 3D का जरूरत नहीं है। अगर वो बोल रहा है तो मतलब ही इज वेरी आउटडेटेड। उसको जाके हमको समझाना पड़ेगा यू गो एंड अपडेट इन दैट 3D इंडस्ट्री, कैड बिकम वेरी कमोडिटी। ये आजकल इतना कॉमन हो गया है, यू नीड टू अपस्केल। ये स्किल अभी बढ़ेगा, पहले आपका कैड सीखोगे, बाद में उसके अंदर आप 3D प्रिंट करोगे, देन यू नीड टू रीस्किल, देन अभी रोबोट भी आएगा, क्योंकि अभी मैन कॉम्प्लेक्स क्या हो रहा है ये एट ए टाइम आएगा। चैलेंजेस हमको एक के बार एक नहीं आएगा, यू गेट दिस चैलेंजेस साइमल्टेनियसली, मीन्स सडनली दिस थिंग्स विल कम आउट एंड देन यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड एज अ स्टूडेंट, एज अ फ्रेटर्निटी, एज अ विलेज लेवल एजुकेटर और विलेज लेवल एंटरप्रेनर, हाउ कैन यू डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स। एंड इवन इन आई हर्ड UK एंड US एडवांस कंट्रीज दे आर टीचिंग दिस 3D एट द 6th स्टैंडर्ड, 5th और 6th स्टैंडर्ड और एलिमेंट्री स्कूल हम जो बोलते हैं, बिफोर दे गो टू कॉलेज दे आर टीचिंग। तो मतलब इसका मतलब क्या है, हम बहुत पीछे है, हम आगे आने का है तो बहुत तरक्की करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा उसका इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों करना है, एंड देन ओनली दिस थिंग्स विल रिवॉल्व। और एक मैं बोलना चाहता हूं एज एन एग्जाम्पल इन डिफरेंट इंडस्ट्री, आप देखोगे ज्वेलरी में ऑलरेडी आपको दे चुका हूं, सब इंडस्ट्री देखो आप, नॉट एक वन इंडस्ट्री। एरोस्पेस इंडस्ट्री आप देखोगे मॉडल बेस्ड डेफिनेशन बोल रहे, मॉडल बेस्ड डेफिनेशन मतलब MBD, इन इंग्लिश वी कॉल MBD, वो लोग अभी ड्रॉइंग देना बंद कर देंगे। कोई भी अगर आप एटो एरोस्पेस का सप्लायर बनना चाहते हैं, क्योंकि एरोस्पेस इज बूमिंग लाइक एनीथिंग इन इंडिया एंड ग्लोबली, एंड एरोस्पेस में क्या हो रहा है वो लोग अभी 2D ड्रॉइंग नहीं देंगे, क्योंकि 2D देने से हमको टाइम लगेगा समझने में और प्रोड्यूस करने में। इससे अच्छा वो 3D देंगे विथ ऑल द मैन्युफैक्चरिंग पैरामीटर्स, कैसे मैन्युफैक्चर करना है आप बाद में उसी के ऊपर ऑटोमेटिक भी कर सकते हो, ऑटोमेशन विल बी देयर, तो ये सब रोबोट भी करेगा, आप भी रोबोट का प्रोग्राम बना सकते हो। सो मतलब देर आर सो मेनी चेंजेस आर हैपनिंग इन अराउंड अस, इफ वी हैव टू स्किल अवर सेल्फ, वी कांट बी जस्ट सेइंग आई एम जस्ट कैड एनेबल्ड। कैड इज जस्ट एन एंट्री बेसिक, उसके बाद आपको रोबोट भी सीखना पड़ेगा, उसके बाद 3D प्रिंट सीखना और एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग जो बोलते हैं वो सीखना पड़ेगा हम सबको, और एनालिसिस भी सीखना पड़ेगा। कोई भी पार्ट हम विदाउट वैलिडेशन हम बेच नहीं सकते क्योंकि कॉस्ट बहुत ज्यादा है आगे, तो इसीलिए सबको एक ही आदमी, पीपल विल बी हायर्ड वन पर्सन एंड देन यू नीड टू डू मल्टीटास्किंग। जैसे हम काम करते हैं ऑफिस में, जैसे यू नीड टू डू ड्राइविंग, यू नीड टू डू वर्किंग, सिमिलरली इन द इंडस्ट्री ऑल्सो पीपल एक्सपेक्ट लेस रिसोर्स मोर वर्क,
राइट, दे विल हायर वन पर्सन, दे विल लुक एट हु कैन डू डिजाइन, हु कैन डू मैन्युफैक्चरिंग, हु कैन डू वैलिडेशन, ऑल थ्री टुगेदर. सो इसलिए आपका अभी हमारा ऐसा लग रहा है मार्केट में जॉब मार्केट कमी हो गया, लेकिन इफ यू आस्क मी इन रियलिटी देर आर लॉट ऑफ ओपन अपॉर्चुनिटीज विच आर अनफिल्ड. तो अगर आप ये सब स्किल अडॉप्ट करोगे एज अ बाय डिफॉल्ट इन योर कॉलेज में रहोगे या जैसे आप गांव में रहते हो किधर वेर एवर यू आर देर इन द विलेज और योर स्टार्टअप और मैन्युफैक्चरिंग एरिया, आप जाके उधर एक्वायर कर सकते हो. और सीएससी इज गिविंग अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी मार्केट में. ये भी है, मैंने देखा है देर आर लॉट ऑफ इंस्टीट्यूट लाइक IGTR, CMTI और आप देखोगे ITIs, colleges, all the engineering colleges, and then there are government has set up lot of center of excellences and it is going to do more in the future. ये सब आगे जाके आपको डिजाइन, मैन्युफैक्चर, वैलिडेट तीनों करने का ट्रेनिंग देगा. ये तीनों होने से क्या होगा, आप मल्टीटास्क का बन जाओगे. मतलब आप जैसे मशीन मल्टीटास्क करता है, अभी हमारा मोबाइल, अभी सिर्फ मोबाइल नहीं है, वो मोबाइल भी करता है, एज अ कैमरा करता है, एज अ वेब करता है, ऐसे ही हमको भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट में. एज यू एंड मी हैव टू अनेबल स्किल सेट एंड देन बेनिफिट फ्रॉम लॉन्ग रन. ये क्या बेनिफिट होता है विलेज के लिए, क्योंकि ये बहुत सारा जॉब क्रिएट करता है लोकल जॉब. अभी पहले क्या होता था, हम बाहर प्रिंट करके इंडिया में इंपोर्ट करते थे, वो सब बंद हो जाएगा, लोकली आप प्रिंट कर सकते हो, है ना. अटल टिंकरिंग लैब्स में आप जाके एनालिसिस कर सकते हो, वैलिडेट कर सकते हो, वीएलई कैन टीच देयर स्टूडेंट हु आर नॉट डोंट हैव दिस लैब्स, राइट. ये सब यूटिलाइज करके आपका स्किल बढ़ा सकते हैं. CADCAM इंडस्ट्री में तो यू शुड गो टू यूट्यूब एंड यू शुड गो टू अदर लिंक्स एंड लर्न ऑल दी स्किल्स एक्वायर व्हेन यू आर एंगेज, नॉट टू दी कम टू दी. पहले क्या करता था, इंडस्ट्री ट्रेन करते थे, अभी उनके पास टाइम कॉस्ट सब नहीं है, इसलिए वो लोग ऑफसोर्ट कर रहे, दे आर मेकिंग पीपल टू रेडी बिफोर दे गो टू द इंडस्ट्री. पीपल विल बी हायर्ड हु आर ऑल इंडस्ट्री रेडी. तो इसलिए हमको थोड़ा एफर्ट पहले से करना पड़ेगा. एंड आई थिंक सीएससी इज टेकिंग अ ग्रेट इनिशिएटिव. आई थैंक त्यागी जी एंड अदर पाटनकर सर जी एंड entire team who are doing excellent work in terms of getting certification, training on the CADCAM trainings and making aware of the industry 4.0. ye sab jaane se aapko bahut sara opportunity milne wala hai. ये सब अपॉर्चुनिटीज अगेन लाइक इट इज नॉट अवेलेबल फॉर फ्री. आई थिंक वी ऑल नो दैट वी हैव टू बी फास्टर टू द मार्केट. अगर ये अपॉर्चुनिटी सबको है, मुझे भी है, आपको भी है, चाइना को है, जापान को है, कोरिया को है, मतलब इसका मतलब व्हाट वी नीड इज वी नीड टू बी फास्टर टू द मार्केट. कितना जल्दी हो सके हम उतना जल्दी स्किल एक्वायर कर दीजिए एंड देन यू कैन गो फास्टर इन द एंड देन यू विल बी द फर्स्ट टू द मार्केट. दैट्स वेयर इज मोर इम्पॉर्टेंट इन टूडेज वर्ल्ड देन जस्ट गोइंग एंड गेटिंग अ लेट एंट्री. ये सब हमको बहुत इंपॉर्टेंट करता है. और फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए, यू शुड बी फ्लेक्सिबल इनफ एज एन वीएलई, एज अ एंटरप्रेन्योर और एज स्टूडेंट, यू नीड टू बी फ्लेक्सिबल इनफ इन योर सिस्टम सो दैट यू गेट मैक्सिमम बेनिफिट इन टर्म्स ऑफ लर्निंग एंड देन अनलर्न एंड रीलर्न. दैट इज वॉट पीपल आर सेइंग, यू लर्न टूडे द 2D बट यू डोंट लीव दैट, बट यू कैन रीलर्न 3D, नॉट जस्ट 2D. बोथ आर इंपॉर्टेंट, बोथ नीड डिफरेंट परस्पेक्टिव, बोथ विल गिव बोथ बेनिफिट. इसीलिए मैं CAD एंड CAM के बारे में बहुत बात करता हूं और बहुत सारे ट्रेनिंग कोर्स से मार्केट में. इफ यू एक्वायर दोस CADCAM ट्रेनिंग, आई थिंक मोस्ट ऑफ अस विल बी एम्प्लॉयड. नो नीड टू वरी अबाउट दैट, यू गेट अ बेटर सैलरी इन माई इन मार्केट. यू गेट देर आर सो मेनी अदर करस्पॉन्डिंग इंडस्ट्री. फॉर एग्जाम्पल जैसे आप CAD सीखोगे, आप टूलिंग मार्केट में जा सकते हो, मशीनरी में जा सकते हो, आप ज्वेलरी में जा सकते हो, हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल असेंबली में जा सकते हो, कोई भी इंडस्ट्री में आप जा सकते हो इफ यू हैव अ 3D एज अ बैकबोन नॉलेज. अगर 3D बेसिक नहीं है, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा इंडस्ट्री में, मार्केट में बेनिफिट्स व्हाई कंट्री इज नीडेड टुडे. और आगे जाके ऐसा भी चांसेस आने वाला है, यू नीड टू वर्क फ्रॉम होम. ऐसा अभी बहुत सारे लोग कर रहे, बिकॉज वी डोंट नो द अनसर्टेनिटी ऑफ दिस कोविड हैज हेल्प्ड अस टू लुक. सो ऑल दिस CADCAM टूल्स विच आर अवेलेबल इन द मार्केट टूडे, दे आर ऑल अवेलेबल इन क्लाउड. तो आप रिमोटली आपके घर में लेके आपका डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग जो भी है आप कर सकते हैं.
आप 3D भी कर सकते हो, उसको डिजाइन करो। अगर आप उसको मैन्युफैक्चर करना है तो कन्वेंशनल मेथोडोलॉजी से भी कर सकते हो, मिलिंग, टर्निंग, ड्रिलिंग मशीन अगर है तो वो अभी कॉमन है। अगर आप फ्यूचर का सोचोगे 3 ईयर्स डाउन द लाइन, 5 ईयर्स डाउन द लाइन, 3D प्रिंटिंग में भी एडिंग, ये को एग्जिस्ट रहेगा। आप ये सोचोगे ये रिमूव करेगा, नहीं है, ये दोनों रहेंगे। मतलब ग्रोथ अलग अलग रहेगा। ये आप सोचो, हमारा ऑलवेज थिंकिंग इज वी थिंक इट विल रिमूव, नो, इट विल को एग्जिस्ट। आई थिंक यू नीड टू हैव द डिजाइन एक्सपीरियंस। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है, एंड स्किल, अनस्किल एंड रीस्किल। सो यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल, यू नीड टू अडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजी एंड देन लुक एट न्यू हॉरिजॉन्स विच आर ऑल कमिंग फ्रॉम अस, एंड देन आपको ये बहुत सारे करस्पॉन्डिंग इंडस्ट्रीज भी ओपन हो जाएंगे अगर आपको 3D आता है तो। माई सजेशन में भी आप जाके ऑटोकैड एंड ऑल, मे बी दे आर नॉट 3D, दे आर ऑल 2D। आप देखो, आप थोड़ा एडवांस लेवल, मल्टी डिसिप्लिनरी बहुत मायने रखता है आजकल, इसीलिए तो मैं बोल रहा था 3D के बाद आपको मल्टी डिसिप्लिनरी करना पड़ेगा। नो प्रोडक्ट इज जस्ट अ मैकेनिकल। आप देखोगे, आप एक कार देखो, उसमें 40% कैड है, मैकेनिकल है, 60% इलेक्ट्रॉनिक्स है, करेक्ट। आजकल हम हाईटेक बात करते हैं, जब हाईटेक हम बात करते हैं तो इसका मतलब इट डज नॉट मीन दैट इट जस्ट कम्स, इट इज अ टेक्नोलॉजी। तो इसमें 40% ऑफ मैकेनिकल पार्ट्स आर देयर, बट 60% इज योर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रोमैकेनिकल। सो यू नीड टू ट्रेन इवन इलेक्ट्रोमैकेनिकल, राइट? सो देयर इज मल्टी डिसिप्लिनरी कम्स इन टू पिक्चर। पहले कैड आएगा, बाद में कैम आएगा, बाद में मल्टी डिसिप्लिनरी भी आएगा। तो मतलब ये स्टेप बाय स्टेप अप्रोच है, जैसे हमको आगे जाना है तो यू हैव टू हैव ऑल दिस मल्टी डिसिप्लिनरी एंड देन लुक एट हाउ कैन वी रीस्केल एंड अनस्केल। और एक इम्पॉर्टेंट आने वाले चीज में ये AR VR, बिकॉज ऑफ ऑल दिस लॉकडाउन यू डोंट हैव टू गो टू कस्टमर एंड देन रिव्यू, यू कैन गो अहेड एंड देन डू द वर्चुअल रियलिटी एंड ऑगमेंटेड रियलिटी। ये कंप्यूटर के अभी ये अफोर्डेबल हो रहे हैं, कोई भी अगर छोटा मोटा कंपनी अगर है तो भी अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि आजकल ये 10,000 में भी आता है। जैसे मोबाइल ले रहे हो, जैसे आप AR VR सेटअप ले सकते हो, लेने के बाद इसको रिव्यू कर सकते हो, ये सब बहुत सारे मायने रखता है फॉर अ लॉन्ग रन। तो AR VR इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्री एडॉप्शन। तो ये भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट, अगर अगेन आप, आई वांट टू कम बैक टू व्हाई अगेन AR VR मीन्स अगेन 3D इज अ बेसिक। तो ये सब मोर मायने रखता है, आप ट्रेन करो आपके स्टूडेंट को, या यू बी ट्रेन ऑन यूर सेल्फ एंड देन गी यू स्टार्ट टीचिंग अर्ली एजेस। नो, डोंट वेस्ट टिल योर ग्रेजुएशन और टिल योर डिप्लोमा और ITI। यू हैव टू एक्वायर दो स्किल्स वाइल यू आर लर्निंग एंड देन लुक एट ऑल द कैड एंड कैम एज अ रिप्लाइंग। सो अभी हमारा कैड एंड कैम क्या हो रहा है, कंप्यूटर डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद क्या, इसके बाद में क्या होने वाला है आपको, ये भी बहुत मायने रखता है। इसलिए आप डिजिटल ट्विन करते हैं। डिजिटल ट्विन मतलब क्या होगा आपको, डिजिटल ट्विन का मतलब होता है यू क्रिएट अ वर्चुअल वर्ल्ड ऑफ द 3D प्रोडक्ट बिफोर यू गो टू द 3D मैन्युफैक्चरिंग और रियल असेंबली। यू क्रिएट अ डिजिटल प्रोडक्ट और व्हाट वी कॉल एज वर्चुअल प्रोडक्ट, जस्ट सी इट, व्यू इट, वैलिडेट इट, टेक द ओपिनियन, टेक रिव्यूज, वैलिडेट एंड देन टेक एक्शन व्हाट नीड टू बी मॉडिफाइड एंड देन डू द प्रोडक्शन। तो पहले क्या होता था, हम डायरेक्टली डिजाइन करके मैन्युफैक्चर करते थे, अगर हमको अच्छा नहीं आया तो हम चेंज करते थे। वो कॉस्ट अभी भी कर सकते हो, कॉस्ट लगता है, टाइम लगता है, एफर्ट लगता है, इट्स नॉट कमिंग फ्री। तो बिकॉज नाउ मटेरियल्स आर बिकम कॉस्टली एंड देन असेंबली बिकम कॉस्टली एंड द रिसोर्सेस आर कॉस्टली, सो यू कैनॉट यू वेस्ट एनी रिसोर्सेस इन टूडेज वर्ल्ड, यू नीड टू यूज इफेक्टिवली ऑल दैट रिसोर्सेस। सो द आइडियल इज वर्चुअल क्रिएशन। सो बिफोर यू टेक एनीथिंग, क्रिएट वर्चुअल सेटअप एंड देन वैलिडेट ऑल द सिनेरियो, मल्टीपल सिनेरियो आप वेट करो, वैलिडेट करो, देन आप जाके मैन्युफैक्चर कर सकते हो। इसीलिए मैं बोल रहा था 3D इज अ बेसिक सोर्स, उसके होने के बाद आप जाके कुछ भी कर सकते हो। तो 3D हैज टू बी एक्वायर्ड एज पार्ट ऑफ डिजाइन। और हमारा बहुत सर्टिफिकेशन टूल भी है एज एनेक्स फ्रॉम सीमेंस साइड, आई थिंक सीमेंस इज हेल्पिंग ग्लोबली एंड लोकली हाउ कैन वी रीस्किल इन द स्टेम, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, वी आर सपोर्टिंग इन ऑल एरियाज ऑफ स्टेम। This is more important in terms of acquiring the skill and the knowledge. And at the rural area is a backbone of industry. So, इसलिए आप जब भी आप rural में देखते हो तो हमको कोई भी उधर ऐसा नहीं होना चाहिए 3D का मतलब क्या है कुछ पता नहीं है। अभी पहले मोबाइल किसी को पता नहीं था, लेकिन हर एक को मोबाइल अभी पता है। सो वैसा ही 3D का भी होना चाहिए, बिकॉज इफ रियली इंडस्ट्री वॉन्ट टू सर्वाइव वी हैव टू हेल्प देम। मैं और एक बात करना चाहता था, they may not come in our system, but people always want to go with the local people, so always
is beneficial for any MSMEs or SMBs than an acquired people come from Delhi or Bombay to Pune or somewhere. It's like a migrant workment, what we feel. It is always better self-sufficient. Being self-sufficient in your own industry, So that's how CAT skills are there. How can we look at ourselves? And industry is ready to teach that extra mile what is required for that industry, and then you can go off after that market very fast. So having said that, one more point sir wanted me to convey is there are a lot of government initiatives like startup. You can even take that and then startup ke liye bhi company lagega. Agar aap koi company chalo karte ho village level pe ya agriculture machinery aap dekhoge wo sab unke liye bhi CAD ka zarurat hai. As a startup company also people need something which is cheap. Anything you want to sell, anything you want to see everyday market, people are helping, and flexible manufacturing is also becoming common. If you take today Mahindra, Maruti, whoever, they are all automotive, aerospace industry, they are all doing today even ventilators. How it is possible? How it is possible for them? Because they adopt a concept called flexible. Flexible. So today you take railway coach, they are all modernized, right? So they are not old technology. So they are all need railways. They are all revamping. People expectation in the market is gone up. So even you have to be flexible enough in the CAD CAM industry, and then your manufacturing setup also, you cannot be rigid. You need to have flexible manufacturing. So this is more important in terms of CAD and CAD. Government is taking a lot of initiatives. I think Patankar said very rightly, there are a lot of budgets government is pushing through IITs, ITIs, everywhere they are trying to set up. Siemens itself is putting a lot of effort, money and time in terms of setting a center of excellences, and then how can you use those things. So I think technology is there, resources are there, government initiatives are there. I think you and I have to come out, take that extra step, going to the relevant rural or industry area, learn from them, and then be acquired skills and then employable. So I think you need to look at long term than a short term goal. Have a plan in mind if you are an electrical, electronics or mechanical or whatever field. So everybody has to transform. It is not just, you have to think multidisciplinary. That's very, very important. Don't think that I am just mechanical, I only look at mechanical. Or if you are an automobile engineer, you need to look at again multidisciplinary. That's a very, very basic stuff we all have to adhere, and that is a go forward direction for all of us. So in rural areas, this is very evident, because the agriculture is one which is kicking up. But apart from that, even you can go to the local cluster, or what we call as manufacturing clusters, where there is a local cluster. They want to prefer local people who know the local language. The local preferences is there, because you can work longer. People from outside normally go with they may not come in our system, but people always want to go with the local people. So always, local resources is always beneficial for any MSMEs or SMBs than an acquired people come from Delhi or Bombay to Pune or somewhere. It's like a migrant workment, what we feel. It is always better self-sufficient. Come out, take that extra step, go into the relevant rural or industry area, learn from them, and then be acquired skills and then employable. So I think you need to look at long-term than a short-term goal. Have a plan in mind if you are an electrical, electronics or...